फिर दीदी का भी एक नक्शा चालू कर दिया पैर में, पैर का चोट दिखा के चाह रहा है कि हम उसी का दर्द से जीत जाएंगे। क्या दीदी ने काम नहीं किया? दीदी ने काम किया तो हम लोग तो देखा नहीं। जो है वो अपनी जगह है, लेकिन अपने लिए अच्छा अगर करते तो अपने दीदी को भी सपोर्ट करते, लेकिन इन जो 10 साल में जो थी अपने लिए दीदी ने कभी कुछ किया ही नहीं। आईटी पढ़ रहे हैं वो तो सब बाहर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर क्या लग रहा है आपकी बार जो मिजाज दिख रहा है चुनाव का, इस बार परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इस बार? आप लोग को भी सभी को पता चल जाएगा कि बीजेपी ने काम किया है या दीदी ने सच में कुछ काम किया है। मिजाज क्या है? अभी मोदी सरकार आने वाला है, देखिए मोदी सरकार आने वाला है, सभी मोदी वाले हैं। जैसे मोदी 56 इंच का सीना जो बताया ना, वो सच में 56 इंच का सीना है। तो खेला होवे? खेला प्रो मोहन मगन इस बंगलो को एवेन करेगा, ये मोदी या ममता का खेला ही होगा। कौन आ रहा, दीदी आ रही है या मोदी आ रहा है? दीदी आ रही है। दीदी आ रही है ना, खेला होवे? खेला होवे, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बड़ा सस्पेंस हो रहा है। यही बात है, हम लोग तो देखा है खेला होगा तो खेला होगा होगा ही। दोस्तों नमस्कार, बंगाल की चुनावी चर्चा में हम हैं और आज हम बंगाल की जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री चाय की दुकान से ही आते हैं और चाय की दुकान से ही चर्चा चुनाव की होती है, तो वाकई जो मिजाज है वो पता चलता है। यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, एक एक करके सभी से बातचीत करेंगे। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम तिमिर वरण राय चौधरी। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का माहौल? देखिए मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी कर रहे इतने तीन साल से, तो मेरा तो मालूम है हम तो बोलेगा 200 पार। 200 पार? हाँ। क्यों? अभी जो परिस्थिति है अभी इधर का बंगला का, वो कैला चोर, लोहा चोर, बाली चोर, ये लोग को ले आने से फिर भी प्रॉब्लम होगा। फिर दीदी का भी एक नक्शा चालू कर दिया पैर में, पैर का चोट दिखा के चाह रहा है कि हम उसी का दर्द से जीत जाएंगे, तो उसमें तो कुछ नहीं होगा। अभी जितना भी सब है इधर में ना कोई किसी का कर्म संस्थान है, ना कुछ है, आपका कोई बिजनेस है, सब भाग रहा बाहर। क्या सिंपैथी की वोट का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? सिंपैथी का वोट होगा भी तो कितना होगा, 30% होगा। क्या दीदी ने काम नहीं किया? दीदी ने काम किया तो हम लोग तो देखा नहीं। हम लोग तो 5 साल में 10 साल में कुछ नहीं देखा। क्या भैया दीदी ने बाकी काम नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होता तो सबको दिखता, वैसा तो नहीं, अगर करता तो सभी दिखता, लेकिन वैसा तो कुछ हम लोग को दिखा नहीं है। आपको भी लगता है? काम जिनके लिए किया है उनसे ही पूछना चाहिए, अपने लिए तो कोई किया नहीं है। आज मेरे सब छोटे बड़े भाई बहन लोग हैं, कलकत्ता में बॉर्न हुए, ब्रॉटअप हुए, लेकिन आज उन लोगों को पुणे, गुजरात, मुंबई ये सब जगह जाना पड़ता है काम वाम के लिए। अच्छा हाई पे स्केल कैलकटा में जॉब के लिए आज क्या है, आज कैलकटा में रैपिडो उबर छोड़ के कहीं पे तो कुछ इनकम का तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो क्या लग रहा है आपकी बार बंगाल की जो जनता है उसका मिजाज क्या लग रहा है आपकी बार, क्या देखना चाहता है? आपकी बार ये नया परिवर्तन देखना चाहता है मोदी जी के नेतृत्व में, कि बंगाल एक सोनार बांग्ला बने, जो रोजगार हो, जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे भाई बहन सभी लोग को एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, जो इस बंगाल के लोग हैं उन लोगों को बाहर ना जाना पड़े, अपने ही बंगाल में वो लोग रह के अपनी मातृभूमि में रह के काम वाम कर सके। दीदी से इतनी नाराजगी क्यों नज़र आ रही है? नाराजगी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन अपने लिए अच्छा अगर करते तो अपने दीदी को भी सपोर्ट करते, लेकिन इन जो 10 साल में जो थी अपने लिए दीदी ने कभी कुछ किया ही नहीं। आज अपने भी जहाँ से आते हैं वहाँ पे भी काम अपने को नहीं है, तो इसीलिए अपने चाहते हैं कि इस बंगाल में नई परिवर्तन हो, नई जगह से सबको जॉब मिले, काम मिले, उस तरीके से लोग रहे। क्या लग रहा है भाई आप युवा हो, कुछ नज़र आ रहा है कुछ? देखिए परिवर्तन तो ऐसा दीदी ने जो कहा था पिछले 8-10 साल में वैसा कुछ हुआ नहीं है। जॉब बोलिए, हॉस्पिटल बोलिए, आपका मतलब एडुकेशन बोलिए, कुछ कोई फील्ड में ऐसा कुछ सुधार नज़र नहीं आया है। आईटी पढ़ रहे हैं वो तो सब बाहर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर तो क्या लग रहा है आपकी बार जो मिजाज दिख रहा है चुनाव का, इस बार परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस बार हमारा सरकार काफ़ी कुछ करके दिखाएगा। गाँव के लोग तो कह रहे हैं दीदी ने अच्छा काम किया है, हमारे लिए हमेशा खड़ी रही हैं। तो अभी तो फिर से होगा ना इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा, इस बार तो परिवर्तन होगा तो कौन क्या बोलता है। ग्राम में तो काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, इस बार आप लोग को भी सभी को पता चल जाएगा कि बीजेपी ने काम किया है या दीदी ने सच में कुछ काम किया है। क्या दीदी ने काम नहीं किया है? कुछ किया नहीं, देख रहा पब्लिक तो जो किया बेकार हुआ, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, काफी तो रास्ता है। देखो ना क्या मिजाज है आपकी बात, मिजाज क्या है? अभी मोदी सरकार आने वाला है, देखिए मोदी सरकार आने वाला है, सभी मोदी वाले हैं। कुछ परिवर्तन करेगी, माँ माटी मानुष करके पब्लिक को बहुत पूर्वक बना दिया, पूर्वक मनाने का समय आज आ गया है। ऐसा कि जैसे मोदी 56 इंच का सीना जो बताया ना, वो सच में 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना,
कामयाब होंगे बंगाल में? कामयाब 100% होगा। दीदी कह रही है आपकी बार तो गायब है। गई 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 बोल रही थी ना, कहाँ नंदीग्राम कहाँ गई थी, जहाँ मंच बना हुआ था तो उसको आग से दिखाई नहीं दे रहा था कि ड्राइवर को आग दिखाई ना कि यहाँ मंच बना हुआ, वहीं पर गेट खोल दी, गेट खोलने के बाद चोट लगे तो बोलता है कि बीजेपी का आदमी दे बवाल उवाल करके धक्का मार दे, ये बहुत झूठ है। तो खेला होवे? खेला प्रम मोहन मगन इस बंगला को एवन करेगा, ये मोदी या ममता का खेला ही होगा। हाँ श्योर, जो अमित शाह जी कह रहे हैं 200 पार और मोदी कह रही है 100 से ऊपर नहीं भी, ऊपर ऊपर 200 से पार। हाँ डबल सेंचुरी रोहित शर्मा से भी पार हो जाएगा। अभी चाय पी रहे हो? क्या रुपए की चाय? क्या रुपया की है? क्या रुपया की चाय? 5 रुपया। स्वाद आ रहा चाय में? मुझल गया गर्म है। क्या भैया बहुत लोग आते रहते हैं, कुछ अपना बताओ, बताओगे कैसी कमाई हो जाती है यहाँ पे? कमाई जो है तो खाने पीने लग हो जाता है। अच्छा। खर्चा जैसे तो निकल जाता है। लग रहा है बंगाल के लोगों का मिजाज? अब हम कैसे बताएं, तो हम तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। कोई पीछे फोटो तो दीदी का लगा हुआ, पता क्यों नहीं है? दीदी का तो ऐसा लगा हुआ, दीदी तो है यहाँ पर, तो दीदी तो है यहाँ आ रही है दोबारा, देखिए क्या होगा तो भगवान जाने। देखो दुकान पे दीदी का आशीर्वाद पूरा नजर आ रहा है। तो दीदी का तो आशीर्वाद है यहाँ पर, तो दीदी का आशीर्वाद पूरा है साहब। आपको लग क्या लग रहा है भैया? क्या क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का मिजाज? कौन आ रहा है, दीदी आ रही है या मोदी आ रहा है? दीदी आ रही है। दीदी आ रही है ना, चलो चलो और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भाजी क्या नाम है? हमारा मोहम्मद विश्वास है। क्या लग रहा है आपकी बार? देखिए हमारा एक तो बात क्या है, आदमी सस्पेंड हो गया। हाँ। किसको देगा किसको नहीं देगा। हाँ। ये दोनों बात है। हाँ। कैसे हो गया ये? जैसे चलता है। हाँ। आदमी सोच नहीं सकता ये किसको क्या करेगा ना करेगा, उसको हाँ। देगा ना इसको देगा। हाँ। समझ गया, सस्पेंस में कैसे हुआ ये समझ? सस्पेंस तो होगा ही। हाँ। ऐसे हम लोग कभी नहीं देखा। इंदिरा गांधी जो था। हाँ। उस टाइम में ऐसे नहीं दिया। हाँ। राजीव गांधी जो था ऐसे नहीं हुआ। ये जो खेला होता है। हाँ। राजनीति का ऐसे होता है, कुछ कोई सोच समझ के नहीं बोलता है। तो क्या लग रहा है आपकी बार खेला होवे? खेला होवे लेकिन। हाँ। कौन जीतेगा कौन हरेगा ये बड़ा सस्पेंस हो रहा है। यही बात है, दीदी के फोटो को लग के तो देख, फोटो जितने लगे उन्हें देख के तो लग रहा है दीदी आ रही है। इधर वेस्ट बंगाल है, दीदी है, लेकिन कौन आएगा ये तो हमारा कुछ पता नहीं चलता है। क्या बाबूजी सही बात है, खेला हो रहा है? खेला तो चल रहा है। देखिए देखिए वोट कौन कौन आदमी देगा कि क्या होगा क्या होगा, हम लोग को तो मालूम नहीं। हम लोग तो देखा है खेला होगा तो खेला होगा होगा ही तो है, खेला होगा। अच्छा, खेला का रिजल्ट 2 मई में। 2 मई में? 2 महीने कौन आएगा फिर खेला में? कोई बात नहीं बोलेगा, कोई मेजोरिटी नहीं होगा। मेजोरिटी नहीं? नहीं, ये सब मिलकर कर होगा। अच्छा, जोड़ तोड़ की राजनीति होगी फिर? जोड़ तोड़ कर कर। तो ये आपने देखा चाय की दुकान से, और चाय की दुकान की जो चर्चा होती है वाकई जो जनता की आवाज़ होती है वो निकल के आती है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद जय भारत।